हर कोई जीवन भर सुंदर व जवान रहना चाहता है, कोई भी बूढ़ा या फिर झुर्रीदार नहीं होना चाहता। हालांकि उम्र बढ़ना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी हर कोई इसे रोकना चाहता है। त्वचा पर ध्यान ना देने की वजह से हमें त्वचा संबंधी कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि दाग धब्बे, मुहासे, झुर्रियां, पिगमेंटेशन आदि। यदि आप भी उनमें से एक व्यक्ति हैं जिसको त्वचा संबंधी समस्या है, तो मेरी आज की वीडियो आपको मदद करेगी जानने में उस दवा के बारे में जिसका इस्तेमाल कर आप त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारी आज की उस दवा के बारे में। नमस्कार, मैं रितिका आचार्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परमानंद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे कुमकुमादी तैलम के बारे में। कुमकुमादी तैलम एक मेडिकेटेड तेल है जिसके इस्तेमाल से त्वचा संबंधी कई सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, जैसे कि दाग धब्बे, मुहासे, पिंपल, झुर्रियां इत्यादि। इस तेल के इस्तेमाल से मेलास्मा जैसी समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है। कुमकुमादी तेल का इस्तेमाल त्वचा में चमक लाता है व पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं को दूर करता है। ऐसा इसमें मौजूद एपिडर्मल और इन्फ्लामेटरी प्रभावों के कारण होता है। इस तेल की मालिश से अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके चलते हमारी त्वचा में बहुत ही ज्यादा चमक आती है। ये एक हर्बल तेल है जिसके इस्तेमाल से आपको काफी ज्यादा फायदे होते हैं। सिर्फ 4 या 5 दिनों में ही आपको इस तेल का प्रभाव अपनी त्वचा पे देखना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस तेल की मालिश से जन्म जाती मस्से और तिल को भी ठीक किया जा सकता है। मैं अब आपको बताना चाहूंगी इसके तत्वों के बारे में जो इस औषधि को इतना प्रभावशाली बनाते हैं। इस औषधि को बनाने में रक्त चंदन, मंजिष्ठा, दारू हल्दी, उशीरा, केसर और पीपल के साथ साथ कई और तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा मंगाए गए तेल की गुणवत्ता में कोई भी समझौता ना हो, तो एक जगह ऐसी है जहां से आप घर बैठे ही किसी भी प्रकार की दवा को मंगा सकते हैं। वो जगह कौन सी है वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आपको कुमकुमादी तैलम का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप इस तेल का इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं, टॉपिकल यानी कि त्वचा के बाह्य रूप पे लगाकर, या फिर नेसल इंजेक्शन के द्वारा यानी कि नाक के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिकल लगाने के लिए आपको इस तेल की कुछ बूंदे बस अपने चेहरे पर लगानी है, लेकिन उससे पहले आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिएगा। आप एक काम कर सकते हैं, गर्म पानी को कपड़े में भिगोकर उस कपड़े से पहले अपना चेहरा साफ कर लें, उसके बाद इस तेल की 3 से 4 बूंदें अच्छे से हाथ पर फैलाकर अपने चेहरे पर मसाज करें। इस तेल को 3 से 4 घंटे तक अपने चेहरे पर ऐसे ही रहने दें, उसके बाद नॉर्मल यानी कि साधारण पानी से अपना चेहरा धो लें। दूसरा तरीका है नेसल इंजेक्शन यानी कि नाक के द्वारा। इसके लिए आप इस तेल की 2 से 3 बूंदें अपने दोनों नाक में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको इस तेल को या फिर अन्य किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि को मंगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे कि मैं आपको अपनी पहली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि मंगानी है, तो उसे आप घर बैठे परमानंद आयुर्वेद के द्वारा मंगा सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि औषधि मंगाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको बस सर्च करना होगा www.paramanandayurveda.com। इस पे जाएं और जिस भी आयुर्वेदिक औषधि की आपको आवश्यकता है उसे ऑर्डर करें। ऑर्डर की हुई औषधि मात्र 3 से 4 दिनों में आप तक पहुंचा दी जाएगी। यदि आप चाहें तो हमें फोन, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए डायल करें 999-000-4674। इस नंबर पे कॉल करके अपनी औषधि का नाम बताकर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में हमसे औषधि मंगवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हम आपको सुविधा देते हैं फ्री होम डिलीवरी की, और ऐसा करने वाली हम इस देश की एकमात्र कंपनी है। इतना ही नहीं, हम आपको डिस्काउंट भी देते हैं, वो भी सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों पर, पूरे 10 से 15% तक का। अगर आप चाहें दवाइयों को हमारे VIP ऑर्डर फॉर्म के द्वारा भी मंगा सकते हैं। बस हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाएं, वहां आपको VIP ऑर्डर फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के द्वारा किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा आप हमसे मंगा सकते हैं। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको अगली बार फिर से आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारियां दे पाऊँ।
अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि और उसे मिलने वाले बहुत सारे लाभों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।